सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नन्नी सिंह और हमेशा की तरह मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। सो गाइस, व्हाट्स अप, किद्दा हो सारे, बढ़िया। अच्छा गाइस, बहुत दिनों बाद वापस से शूटिंग हो रही है। आज है नॉट संडे बट सैटरडे, बट आज मैंने छुट्टी ली है बिकॉज बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे जो मुझे फिनिश करने थे। बहुत सारे टाइम से कोई आया है, से हेलो, से हाय। हाय, ओ, सो गाइज, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे काम थे जो मुझे बहुत टाइम से फिनिश करना था। बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट्स फिनिश नहीं कर पा रही हूँ मैं, और व्लॉग्स भी मैं इतने सारे शूट नहीं कर पा रही हूँ यार। कोशिश तो बहुत करती हूँ बट हो नहीं पा रहा है। सो बट आज छत पे आए हैं, अच्छा मौसम है, थोड़ा सा ब्राइट है, क्लाउडी भी है थोड़ा। ये देखिए, कैन यू सी दैट, पीछे वो देखिए लाइन देख रही है। सो गाइज, यदू ने बोला, जो मेरा नेफ्यू है, कि बुआ प्लीज़ व्लॉग बनाते हैं, उसको काइट फ्लाई करना है, एंड आई विल टीच यू हाउ टू फ्लाई अ काइट। हाउ टू फ्लाई अ काइट, ये। सो गाइस, हम लोग अभी काइट फ्लाई करने वाले हैं। सर पे लगाया है तेल, बनी हूँ चंपू एकदम, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनों को व्लॉग बनाना है, शूट करना है तो हो रहा है, डजेंट मैटर। तो गाइस आओ देखते हैं कि काइट कैसे फ्लाई की जाती है। ये। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखो एक और महिला आ गई पीछे। क्यों आई हो महिला तुम इधर, कहाँ पुरनिया, क्यों, क्या काम है बताओ, बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकती हैं आप। प्रोजेक्ट का मजा नहीं, अरे यार जोश के साथ बोलो, मजा नहीं लाइफ। तो गाइस, मजा नहीं लाइफ। बाय द वे, हमारी चाय वाय भी आ चुकी है, आओ दिखाते हैं। छत पे आए थे, चाय ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है शाम के वक्त। सो ये रही हमारी चाय पीछे, चाय और ये। सो गाइस, वी विल हैव टी एंड वी विल फ्लाई काइट। सो कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स एंजॉय टुगेदर। कहां वो देखो, फिश जैसा। ओह सो गाइज, यदू जो क्लाउड दिख रहा है ना, ये वाला, तो कह रहा है कि वो देखो इंसान। सो बेसिकली उसको लग रहा है कि वो कोई मैन खड़ा है वहाँ पे। नो, बट ऐसा नहीं है बेबी, दैट्स जस्ट अ क्लाउड। सो चाय भी हमारी सेट टू फ्लाई, हम लोग पतंग उड़ाने के लिए एकदम तैयार है। बट उससे पहले बहुत ज़रूरी काम एक करना पड़ता है, लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों को। वो ज़रूरी काम का नाम है चाय की चुस्की। यदू डोंट स्माइल। सो गाइज, वी आर सेट, चलो आप लोगों, आपको एक और चीज दिखानी है। हाँ, वो बहुत मेन चीज है, अगर आपका एक बड़ा अच्छा काम देखिए, चलो आओ, लेट्स गो, दिखाओ दिखाओ। गाइस थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहा है, बट शायद थोड़ा सेकंड के लिए कैप्चर हुआ है उसकी काइट। ये देखो, ये ही है इसकी। आई डोंट नो क्यों हो रहा है आउट ऑफ फोकस, आई थिंक ऐसे करना पड़ेगा, देन ये तुम्हें फोकस करेगा पहले। सो गाइस, अभी भी इसमें ब्लरी दिख रहा है। ये देखिए, पट कटा है मेरा, पतंग उड़ानी नहीं दिया उसने मुझे, पसंद नहीं है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल। नीचे जा रही हूँ अब मैं, बाय। मम्मी आ गई, मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, मतलब लखनऊ से बाहर मॉर्निंग में गई थी, वापस आना था शाम में, तो वापस आ गई हैं। तो सोचा यार पतंग तो उड़ाने मिल नहीं रहा है, मम्मी से ही मिल लेते हैं, तो चलो यार अब अंदर चलते हैं। माँ कहाँ हो तुम, लफड़ाई करके आ रही हो, लफंग गई, यू आर रोमिंग अराउंड।
क्या चल रहा था? एसी। नहीं, हम अभी गए हैं ऊपर, नीचे यार से यदु बोल रहा था कि वो ले लो, एसी भूल गई थी ऑफ करना। यदु मुझे पकड़ के ले गया था जबरदस्ती, मैं जल्दबाजी में भूल गई। सो वापस आ गए। अरे वाह, एक्टिंग तो बड़ी बढ़िया कर लेती हो दीदी रीटेक में, हैं? तुमसे एक्टिंग करवा ले। ये उल्टा, अरे इधर से देखो, शर्माओ मत। अच्छा सुनो तो इधर आओ, यहाँ खड़ी हो, फोकस में आओ, तुमको हीरोइन बना देंगे हम। बोलो मजानी लाइफ। अब जाओ दिखा दो, तो दिखा रहे हैं। एक मिनट, लफड़े करके आ रही हो? पहले बताओ। लफड़े करके नहीं आ रही। सब लोग कहते हैं आंटी व्लॉग में तुम्हारे दिखाई नहीं देती हैं आजकल, कहाँ रहती हो? अरे भाइयों बहनों बच्चों, आंटी की शक्ल दिखाओ, सब कहते हैं। इतना थक गए कि पूछिए नहीं। आज हम चले गए थे हमारे जिया जी की बरसी का, आज पूजा पूजा था, लाइब्रेरी चले गए थे। तो आज ही जाके आज ही आई इनके, इनको इनको कह रही मेरे पीछे बहुत दर्द हो रहा है पीठ में, मतलब पिछवाड़े चोट लगा हुआ था तो बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी तुमसे झुका नहीं जा रहा है, और लेट जाओ। अच्छा इससे पहले तो मुझे गाली देने लगो, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ और उधर के सक जाती हूँ तुम्हारे बेड से। तुम्हारी जगह पे मैं लेटी हूँ ना, तुम साइड में हो जाओ, हम साइड में हो जाएंगे। ठीक चल पे होंगे। पहले बोलो मजानी लाइफ, अच्छे से बोलो मजानी लाइफ, मजानी लाइफ। ये आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ अपनी जगह, आ जाओ। ओ गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे, जस्ट सो के उठी हूँ, बज रहे हैं 12:30। आप प्लीज जज मत करने बैठ जाना कि 12:30 बजे सो के उठी है, संडे वाला दिन है यार, प्लीज। वैसे तो रोज उठी जाती हूँ 7 बजे, बट एनीवे जस्ट गॉट अप, जा रही हूँ मैं नहाने, नहीं एक्चुअली नॉट नहाने, सबसे पहले मैं जाऊँगी वर्कआउट फिनिश करूँगी अपना, उसके बाद कुछ खाऊँगी, फिर नहाऊँगी, नहीं फिर कपड़े धुलूँगी, फिर नहाऊँगी और फिर शायद दोस्तों से मिलूँगी, तो पता नहीं। बट एनीवेज गाइस, एक छोटा सा अपडेट है, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ग्लूमी फील हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। कुछ न्यूज़ वगैरह जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है और वो मैंने देख लिया, और बहुत ज़्यादा शायद लग रहा है मैंने देख लिया, बट एनीवे आई एम एनीवे अ सेंसिटिव पर्सन, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो बट हो जाता है मेरे साथ। तो दैट्स द रीज़न मैंने कल भी सैटरडे वाले दिन भी वर्कआउट किया था, तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ परसों के कंपैरिजन में। आज संडे, आज भी करूँगी, शायद और अच्छा फील हो। कहते हैं कि वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से एक ऐसी हार्मोन रिलीज़ होती है जो आपको हैप्पी फील कराती है, सो हैप्पी हार्मोन। मीनवाइल अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो पूरा एंड तक देखो, बीच वीडियो को मत छोड़ा करो यार, इट्स अ बैड मैनर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सेकेंडली, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो वो भी कर लो, और लोगों को शेयर भी कर दो, सपोर्ट करो यार, खुश रहो, मजानी लाइफ। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। फिनिश, मैंने फुल शॉट लेने की कोशिश करी। यूजली मैं बहुत शाय हूँ यार, शाय भी नहीं बोलूँगी, आई हैव माई सर्टन सेट ऑफ इनहिबिशंस जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बींग। जैसे बाकी लोगों का कुछ इनहिबिशंस होते हैं वैसे मेरे भी हैं, स्पेशली जो ऑफ लेट, जो लास्ट 1-2 सालों में बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑल वर्क लोड एंड एवरीथिंग, जो वेट पुट ऑन हुआ है, सो हो जाता है थोड़ा सा इंसान यू नो एक इनहिबिशन वाले फेज में आ जाता है। बट द गुड पार्ट इज कि आई एम ब्रेकिंग ऑल दोज इनहिबिशंस नाउ, मैं उसको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग थिंग एंड डिसीजन टू मेक। इतना आसान नहीं होता है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट आई एम ग्लैड, वट एवर आई एम ट्राइंग, चाहे वो छोटा सा स्टेप हो, बट आई एम डूइंग इट। कभी भी किसी एक इमेज में फंसे हुए रहना नहीं चाहिए, हमेशा जब कोई चीज़ आपको पुल डाउन करे उसको ब्रेक करके आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करो, और करनी चाहिए 100%, ठीक है, तभी आप आगे मूव करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे, फिजिकली मेंटली इमोशनली इन एवरी एस्पेक्ट। सो या गाइस, संडे है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ मैंने अपना वर्कआउट कर लिया है फिनिश, बहुत ज़्यादा देर नहीं किया, बट 40 मिनट्स भी अच्छा वर्कआउट होता है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक शावर,
नहा धो के मुझे आज बाल धोने की भी कल से ऑफिस है मंडे, बहुत दिन से बाल वॉश नहीं करे, धो के तैयार होके राजा बाबू बन के सोनम बाबू बन के आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइज एक्सरसाइज वगैरह हो गया, अब जा रहे हैं मैं थोड़ा हेयर कलर करने, क्योंकि मुझसे वापस से ग्रे हेयर हो रहे हैं यहाँ पे। अब यार ये हेयर कलर करा लिया था उसके बाद से ये लग रहा है मुझे लाइफ लॉन्ग का नाटक हो गया है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब ऑफिस जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना, कराना पड़ता है। और मेरी हेयर स्टाइलिश देख मिलना चाहेंगे आप सब लोग कौन है, एक मिनट। हाय हाय, तो बताइए मैडम ये सर्विसेज आपकी कितने की हैं, इसमें कोई डिस्काउंट है क्या? एक ऑरेंज जूस। एक ऑरेंज जूस बर्फ के साथ? हाँ। या वोडका के साथ? बर्फ के साथ। नहीं नहीं शर्माइए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माने का नहीं, बिल्कुल आप बेधड़क होके बोलिए। नहीं नहीं बर्फ के साथ। हाँ, बर्फ के साथ में वोडका और एक ऑरेंज जूस। जबरदस्ती। मैंने अच्छे से लगाना, नहीं तो ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट। ओए, सही लगा।